एक नदी किनारे एक हरा भरा विशाल पेड़ था। उस पर खूब स्वादिष्ट फल लगे हुए थे। उसी पेड़ पर एक बंदर भी रहता था। वह बड़ा मस्त कलंदर था। जी भर कर फल खाता, डालियों पर झूलता और कूदता फांदता रहता था। और वह बहुत मिलनसार भी था। हम बहुत दूर से इन फलों को खाने आए हैं, कृपया हमें भी कुछ फल दे दो। ठीक है, मैं तुम्हें ये स्वादिष्ट फल जरूर दूंगा, लेकिन क्या तुम मुझे पहले तैरना सिखाओगे? हाँ? लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। बंदर कभी तैर सकते हैं क्या? हाँ? तुम सिर्फ पेड़ पर ही रहो। हाँ, और हमें नहीं खाने तुम्हारे मीठे रस भरे फल। हाँ? देखा तुमने उसे, कैसा बंदर था। फल के बदले तैरना सीखना चाहता था। और तुम चिंता ना करो, मुझे ऐसे फलों के बारे में पता है जो इससे भी ज्यादा रस भरे और स्वादिष्ट हैं। क्या तुम सच कह रही हो? कहाँ है वो स्वादिष्ट फल, जल्दी मुझे बताओ। हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। मेरे एक मित्र ने बताया था कि वह स्वादिष्ट फल काली नदी की तरफ मिलेंगे। क्या काली नदी? वो तो बहुत दूर है और हमें तो उसका रास्ता भी नहीं पता। अरे तुम चिंता मत किया करो, मुझे रास्ता पता है, मैं पहले भी वहाँ जा चुका हूँ। तुम कब गए थे? तुमने तो मुझे कभी बताया ही नहीं। हे भगवान, कितना अंधेरा है यहाँ पर, मुझे बहुत डर लग रहा है। स्वादिष्ट फलों के चक्कर में कहीं हम किसी खूंखार जीव का शिकार ना बन जाए। अरे घबराओ मत, मेरे मगर मित्र ने बताया था कि काली नदी में उसके और उसकी पत्नी के अलावा और कोई नहीं रहता। क्या कहा तुमने? एक मगर ने, यानी एक मगरमच्छ ने तुम्हें बताया था? अरे नहीं, वो बहुत शर्मीला है, मैंने उसे कभी नहीं देखा क्योंकि वो झाड़ियों से बाहर निकलता ही नहीं। लेकिन वो बहुत मिलनसार है क्योंकि मेरे बहुत से मित्र उसके पास गए थे, लेकिन उसने अरे वो कितना स्वादिष्ट फल है इस पेड़ का, ये पेड़ है ये चमत्कार। बंदर भाई, क्या आप मुझे थोड़े से फल तोड़ के दोगे? बड़ा ही विचित्र जीव है, लगता है ये कोई मछली है। बंदर भाई, मैं बहुत भूखा हूँ, कृपया थोड़े से फल दे दो। हाँ बिल्कुल, लेकिन पहले तुम ये बताओ कि तुम कौन से जीव हो और यहाँ क्या कर रहे हो? मैं एक मगरमच्छ हूँ और मैं यहाँ से दूर काली नदी में रहता हूँ, और मैं यहाँ मछलियों को पकड़ते हुए आया था। ये मगरमच्छ दिल का अच्छा लगता है, क्यों ना इसे थोड़े से फल दे दूं? लेकिन ये तो मांसाहारी है और मेरी माँ ने कहा था कि मांसाहारियों से दूर रहना, लेकिन अभी तो इसने फल भी खाया था। ठीक है, तुम यही प्रतीक्षा करो। बंदर ने ढेर सारे फल मगर की ओर फेंके तो मगर एक बार में सारे फल चट कर गया। धन्यवाद बंदर भाई, खूब छक्का। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बंदर भाई, अब मेरा समय हो गया है, अब चलता हूँ। अगले दिन जरूर आना मगरमच्छ भाई। हाँ क्यों नहीं, इन स्वादिष्ट फलों के लिए रोज आऊंगा। मगर दूसरे दिन भी आया। हाँ? बंदर ने उसे फिर फल खिलाए। इसी प्रकार बंदर और मगर में मित्रता हो गई। मगर रोज आता, रोज दोनों फल खाते खिलाते, गपशप मारते। एक दिन बातों बातों में पता लगा कि मगर की एक पत्नी भी है और वह दोनों अकेले काली नदी में रहते हैं। यह जानते ही बंदर ने उल्लास से बोला, मगर भाई, तुमने इतने दिन से मुझे भाभी जी के बारे में नहीं बताया। मैं अपने भाभी जी के लिए रसीले फल देता, तुम भी अजीब निखट्टू हो, अपना पेट भरते हो और मेरी भाभी के लिए कभी फल लेकर नहीं गए। वो भाई, मैं बताना भूल जाता हूँ। ठीक है, लेकिन इस बार फल ले जाना मत भूलना।
फिर बंदर ने ढेर सारे फल मगर को दिए और मगर खुशी खुशी चला गया। मगरमच्छ जल्दी जल्दी अपनी पत्नी के पास फल लेकर जा रहा था, तभी पानी में छुप कर आने की क्या जरूरत थी, वैसे ही सामने आ जाती। क्या मतलब तुम्हारा, और तुम सुबह से कहाँ थे, खाने के लिए कुछ लाया नहीं? हमें तुम्हारे लिए अंगूर लाए। मगर ने अपनी पत्नी को बंदर के बारे में सब बता दिया, लेकिन पत्नी को विश्वास न हुआ। जाओ, मुझे बना रहे हो? बंदर की कभी किसी मगर से दोस्ती हुई है? जो अब होगी भला? यकीन करो भाग्यवान, वरना सोचो ये फल मुझे कहाँ से मिलते, मैं तो पेड़ पर चढ़ने से रहा। मगरनी को यकीन करना पड़ा और उसने वह फल चख कर देखे तो मगरनी को वह फल इतने स्वादिष्ट लगे कि उसने सारे ही फल खा लिए। थोड़े से मेरे लिए भी बचा देना। मगर रोज बंदर से मिलने जाता और रोज अपनी पत्नी के लिए फल लेकर आता। मगरनी रोज स्वाद भरे फलों को खाके बहुत खुश होती। एक दिन मगरनी खाली बैठे बैठे ऊंच नीच सोचने लगी। वह स्वभाव से बहुत दुष्ट थी, उसका दिल मचलने लगा। जो बंदर इतने रसीले फल खाता है उसका कलेजा कितना स्वादिष्ट होगा। अब वह चाले सोचने लगी। एक दिन मगर शाम को घर आया तो उसने मगरनी को कराहते पाया। ए बब्बू, तुम्हारी तबीयत को क्या हुआ, तुम कराहते रही हो? मुझे एक खतरनाक बीमारी हुई है, वैद्य ने कहा है कि यह केवल बंदर का कलेजा खाने से ठीक होगी। तुम अपने उस मित्र बंदर का कलेजा ले आओ, मर गई। अब सोच के रही हो, जल्दी जाओ। मैं अपने मित्र को कैसे मार सकता हूँ? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, वो बंदर मेरा प्रिय मित्र है। क्या ऐसे नहीं मानेंगे, मुझे कुछ सोचना होगा। हाँ, यही सही रहेगा। अरे मैं मर गई तो फिर मैं मर जाऊंगी तुम्हारी बला से, और मेरे पेट में तुम्हारे बच्चे हैं, वे भी मरेंगे, हम सब मरेंगे। तुम अपने बंदर दोस्त के साथ खूब फल खाते रहना। पत्नी की बात सुनकर मगर सिहर उठा। बीवी बच्चों के मुँह ने उसकी अकल पर पर्दा डाल दिया। ठीक है, मैं सिर्फ अपने बच्चों के लिए बंदर को कलेजा लेकर आऊंगा। वह मगर अपने मित्र से विश्वासघात करने उसकी जान लेने चल पड़ा। बंदर मित्र, ओ बंदर मित्र उठो, बंदर मित्र, ओ बंदर मित्र उठो। अरे अब उठ भी जाओ बंदर भाई। अरे मगर भाई, इतनी सुबह सुबह तुम यहाँ? बंदर भाई, तुम्हारी भाभी बहुत नाराज है, कह रही है कि देवर जी रोज मेरे लिए रसीले फल भेजते हैं पर कभी दर्शन नहीं दिए, सेवा का मौका नहीं दिया। आज तुम ना आए तो देवर भाभी का रिश्ता खत्म। तुम्हारी भाभी ने मुझे भी सुबह ही भगा दिया, अगर तुम्हें साथ में ले जा पाया तो वह मुझे भी घर में नहीं घुसने देगी। बस इतनी सी बात, ठीक है, मगर मैं जाऊँ कैसे? मित्र, तुम तो जानते ही हो कि मुझे ठहरना नहीं आता। उसकी चिंता मत करो, मेरी पीठ पर बैठो, मैं ले चलूंगा तुम्हें। ठीक है मित्र, अब देर किस बात की, चलो। बंदर मगर की पीठ पर बैठ गया और दोनों चल दिए। दूर नदी में जाने पर ही मगर पानी के अंदर गोता लगाने लगा। आ, आ, ये क्या कर रहे हो मित्र, मैं डूब जाऊंगा। मुझे तुम्हें मारना ही तो है। ये क्या कह रहे हो तुम? मगर ने बंदर को कलेजे वाली सारी बात बता दी। बंदर हका बक्का रह गया, उसे अपने मित्र से ऐसी बेईमानी की आशा नहीं थी। बंदर चतुर था, तुरंत अपने आप को संभाल कर बोला, रुक जाओ मित्र, तुम भी बड़े कमाल के हो, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं अपनी भाभी के लिए एक तो क्या 100 कलेजे दे दूं, पर बात यह है कि मैं अपना कलेजा पेड़ पर ही छोड़ आया हूँ। तुमने पहले ही सारी बात मुझे न बताकर बहुत गलती कर दी है। अब जल्दी से वापस चलो ताकि हम पेड़ पर से कलेजा लेते चले, देर होगी तो भाभी मर जाएंगी, फिर मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। अकल का मोटा मगरमच्छ बंदर की बातों को सच मान गया। हाँ मित्र, अगर ऐसा है तो जल्दी चलते है। जैसे ही वे पेड़ के पास पहुँचे तो बंदर लपक कर पेड़ पर चढ़ गया और बोला, मूर्ख, कभी कोई अपना कलेजा बाहर छोड़ता है क्या? दूसरों का कलेजा लेने के लिए अपने खोपड़े में भी भेजा होना चाहिए। अब जा और अपनी दुष्ट बीवी के साथ बैठकर अपने कर्मों को रो। ऐसा कहकर बंदर तो पेड़ की टहनियों में लुप्त हो गया और अकल का दुश्मन मगरमच्छ अपना मुंह लटकाता हुआ लौट गया।
इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? यही कि दूसरों को धोखा देने वाला स्वयं धोखा खा जाता है और संकट के समय बुद्धि से ही काम लेना चाहिए।